بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, yesterday we went through a poem named The Cow. ठीक है, हमने एक पोइम पढ़ी थी कल जिसका नाम दी काओ था, और आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं. और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है वो सारा ऑब्जेक्टिव है, तो इट मींस ये बहुत क्विकली हो जाएगा. सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 18 एंड यू शुड हैव योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड द नेम ऑफ दिस पार्ट इज़ कॉम्प्रिहेंशन. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ठीक है, इन्होंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं पोइम के बारे में, और अगर वो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, अगर वो सही है तो फिर आपने टी लगाना है, और अगर वो गलत है तो आपने एफ यूज़ करना. ठीक है, द काओ इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली. द काओ इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली, तो ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली जो लाइन है उसमें बताया कि द फ्रेंडली काओ, तो अगर वो नॉट फ्रेंडली होती तो फिर वहाँ लिखा होता कि अनफ्रेंडली काओ. ठीक है, तो द काओ इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली, ये फॉल्स है, तो हम यहाँ एफ लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द काओ इज़ रेड एंड वाइट, और ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे. ठीक है, इट लाइक्स टू ईट मेडो फ्लावर्स. मेडो फ्लावर्स खाना वो पसंद करती है, बिल्कुल खाना पसंद करती है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. राइट टी इन द थर्ड बॉक्स. इट कीप्स गेटिंग आउट ऑफ फील्ड. अच्छा, ये फील्ड से बाहर चली जाती है, मतलब जो जो पॉइंट्स के ग्रेजिंग के जो पॉइंट्स हैं उससे वो बाहर निकल जाती है या रास्ता भूल जाती है, ऐसा कुछ था उसमें? बिल्कुल नहीं, तो शी नेवर गो एस्ट्रे, वो कभी अपना रास्ता नहीं भूलती. और यहाँ पर ये है कि शी कीप्स गेटिंग आउट ऑफ द फील्ड, वो अपने पॉइंट्स से बाहर निकल जाती है, खेतों से बाहर चली जाती है, सो दिस इज़ रॉन्ग. व्हेन इट रेन्स इट गेट्स वेट. जब बारिश होती है तो वो गीली हो जाती है. ठीक है, जब बारिश होती है तो काओ गीली हो जाती है, करेक्ट? यस. क्रीम इज मेड फ्रॉम इट्स मिल्क. क्रीम इज मेड फ्रॉम इट्स मिल्क, काओ के दूध से क्रीम बनती है, बिल्कुल बनती है. ओके, After this we are going to the next question, which is choose the best ending for each sentence. यहाँ इन्होंने best ending इसलिए लिखी है क्योंकि आपको poem से कोई sentences लेके नहीं दिए हुए इन्होंने. इन्होंने अपने अल्फाज यहाँ use किए हैं, तो आपने बताना है कि ये जो इन्होंने sentence use किया है इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा. द काओ इन द पोइम लोज क्रोज और ब्लोज. करेक्ट आंसर इज लोज. वहाँ पर लोइंग लिखा हुआ था, तो मतलब वो आवाज़ें निकालती है. ठीक है, लोज इसका करेक्ट आंसर है, तो आप डैश में यही लिखेंगे. ओके, हर कोट इज डैश. अच्छा, कोट का ज़रूरी नहीं है कि इसका यही मतलब हो कि जो हम कोट पहनते हैं. जानवरों की स्किन के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है. हर कोट इज़ ब्राउन एंड ब्लैक, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन. करेक्ट आंसर रेड एंड वाइट. ठीक है, सम ऑफ हर मिल्क इज़ मेड इनटू. कुछ दूध जो है उसको क्या बना दिया जाता है? योगर्ट. ठीक है, योगर्ट दही को कहते हैं, योगर्ट दही को कहते हैं. चीज़ और क्रीम भी दूध से बनती है, लेकिन दूध मतलब जो दूध के साथ कुछ और प्रोसेस वगैरह किया जाता है तब जाके चीज़ और क्रीम हमें मिलती है, लेकिन योगर्ट जो है कंप्लीट मिल्क से ही बनता है.
ठीक है, जस्ट एक इंग्रेडिएंट ऐड करने से, जस्ट एक इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद हमारे पास मिल्क योगर्ट में चेंज हो जाता है। व्हेन इट रेन्स इट गेट वेट। अच्छा, फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, सो पुट अ टिक मार्क ऑन दिस आंसर। ठीक है, व्हेन इट रेन्स इट गेट्स वेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी जब मैं आपको पोइम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ कॉमा, कहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आपने फुल स्टॉप यूज़ करना है या तो क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस के आखिर में यूज़ होता है, और जब आपसे कुछ पूछा जाए जो क्वेश्चन हो तो तब आप उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द बस started its journey from Multan to Lahore. बस ने अपना सफ़र शुरू किया from Multan to Lahore. ये क्या है? Simple sentence है, ठीक है, simple sentence है, और इसके आखिर में हम full stop लगाएंगे और शुरू में capital letter. This is it. अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बता दी कि सेंटेंस को शुरू जब करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं हमें प्रॉपर नेम्स से वास्ता पड़ जाए, जैसे मुल्तान है, मुल्तान एक जगह का नाम है, और लाहौर भी प्रॉपर नेम है, तो दोनों को कैपिटल से लिखना है, कैपिटल एम से और कैपिटल एल से लिखना है। ठीक है, तो मुल्तान टू लाहौर, और फिर आपने लगाना है फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर नाम्स है, और एक तो स्टार्ट हमने कैपिटल से करना है, तो ये कैपिटल हो जाएगा, पाकिस्तान भी कैपिटल क्योंकि ये भी प्रॉपर नेम है, और इस्लामाबाद भी एक प्रॉपर नेम है, तो और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। The capital of Pakistan is Islamabad. The next statement is what is your age? What is your age? अब ये question है, ठीक है, what is your age? आपकी उम्र क्या है, ये question है। ठीक है, तो इसको हम capital से एक तो शुरू करेंगे, दूसरी बात ये कि इसके end में हम question mark लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, what is your age? क्वेश्चन मार्क आखिर में लगेगा और शुरू कैपिटल से होगा। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अली शहीर एंड समीर आर माय फ्रेंड्स। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप एंड में लगाएंगे, लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर तीन नाम है, तीन प्रॉपर नेम्स हैं हमारे पास, तो इनको हम कैपिटलाइज करेंगे, अली ए कैपिटल, शहीर एस कैपिटल, समीर एस कैपिटल। ये देखें, बिल्कुल ऐसे, अली शहीर एंड समीर आर माय फ्रेंड्स। ओके, द लास्ट स्टेटमेंट इज वेयर आर यू गोइंग। फिर क्वेश्चन है ये, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, सो आप आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसको कैपिटलाइज करेंगे फर्स्ट लेटर को, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यू विल हैव टू राइट थ्री वर्ड्स दैट बिगिन विद बी एल। ठीक है, राइट थ्री वर्ड्स दैट बिगिन विद बी एल, ब्ल ब्ल। तो क्या क्या वर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं? एक तो मेरे जो जहन में आ रहा है वो है ब्लैक, ब्लू भी आ सकता है, ब्लू और ब्लैक दोनों आ सकते हैं। कुछ अलग अगर इससे सोचा जाए तो क्या होगा? ब्लो, ब्लो, ब्लिंक। ओके, यहाँ पर ब्लैक, ब्लो, ब्लिंक, तीन वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, दरमियान में कॉमर्स यूज़ किए हैं, कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप यूज़ हुए हैं दो। ठीक है, और इनको कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान हम वो वर्ड्स लिखते हैं जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो ब्ल हमें चाहिए था, तो ये देखें, ब्लैक, ब्लो, ब्लिंक। अच्छा, बलून या इस तरह का कोई और वर्ड आप नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें दरमियान में ए आता है, बलून,
ए, ठीक है, और डबल एल भी आता है, तो कुछ डिफरेंट नहीं लिखना है, ठीक है। राइट थ्री वर्ड्स दैट बिगिन विद बी आर, बी आर। फर्स्ट वन इज ब्राउन, ब्रोज, ब्रेक, ब्रश, ठीक है, ब्राउन, ब्रेक, ब्रश। सो आज का आपका जो होमवर्क है वो बहुत इजी है, सिर्फ जो आपको वीडियो में बुक में काम करवाया गया तो वही काम आपने भी करना है। आई होप यू लर्न्ड एंड एन्जॉय टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.